9 मई का 3 रोजा उर्स इख्तिताम पजीर। पाक फौज के हक में नारे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। तकरीबन 9 मई को वाकया पेश क्यों आया? वाकये में बराह रास्त कौन मुलव्वस था? तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आएंगे। देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। मुल्क और कौमों की तारीख में कुछ ऐसे ही अलमनाक वाकयात भी तारीख का हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 9 मई भी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ही दिलखराज सानिया है जो एक स्याह बाग की हैसियत रखता है जिसे शायद कभी फरामोश ना किया जा सके। और अगर शोहदा के वर्सा का जिक्र करें तो शायद वो अपने शोहदा की इतनी बेतौकीरी कभी भुला ना सके और शायद इनके दिल से इन लोगों के लिए कभी नफरत भी ना निकल पाए। सानिया 9 मई ने हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को उस वक्त हैरत ज़दा और सदमे से दोचार कर दिया जब शर पसंदों ने पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के जाम इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की और अपने मजमू मजाइम की तकमील के लिए सियासी लिबादा ओढ़ कर मुल्क में खाना जंगी कराने की मजमू कोशिश की, मगर पाक फौज ने बेपनाह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इसे नाकाम बना दिया। अब ये कौन लोग थे वो जिन्हें एक सियासी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, या वो लोग जो सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियोस में गाड़ियों से उतरते नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुश्तल हजूम के साथ मिलकर जो बर्बरियत दिखाई इससे कौम कभी नहीं भुला सकती। अगर ये कहा जाए कि ये काम एक ही सियासी जमात का होगा तो ये गलत है, क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिनमें इस तरह के हजूमों में अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए दूसरे मुखालिफ जमातों के कारिंदे भी शामिल हो जाते हैं। अब बहुत हद तक मुमकिन है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मगर इस सब में इन लोगों की बहुत दिल आजारी हुई जिन्होंने अपने प्यारों को इस मुल्क की सलामती के लिए खो दिया। आज हम ना तो एमएम आलम का जहाज अपने बच्चों को दिखा पाएंगे जिसने 1 मिनट में दुश्मन के 6 जंगी जहाजों को तबाह करके तेज तरीन का रिकॉर्ड भी बनाया और मुल्क को दुश्मन से बचाकर अपना नाम भी जिंदा रखा। GHQ कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाया गया, एमएम आलम के तारीखी जहाज को भी जलाया गया और इस तरह ऐसी बहुत सी यादगारों को नजर आतिश किया गया जिनका ताल्लुक शोहदा से था। 9 मई 2023 का वाकया कैसे पेश आया? 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को इनके सियासी मुखालफिन ने आईनी तरीके से इक्तदार से रुखसत कर दिया, लेकिन खान साहब जो कभी भी एक जमहूरी मिजाज के आदमी नहीं, इनकी क्रिकेट की जिंदगी भी इस बात की गवाह है। इस रुखसती को वो हजम न कर पाए और ईवान को छोड़कर एहतजाज पर निकल खड़े हुए। इस एहतजाजी मुहिम में उन्होंने एक तो फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया और दूसरा अपनी रुखसती अमरीकी साजिश करार देकर अपनी दिफाई अफवाज को भी इसका हिस्सा गर्दानना शुरू कर दिया। कभी इस साजिश का जिम्मेदार मुसलह अफवाज के सरबराहान को और कभी अपने खुफिया इदारों को ठहराया जाने लगा और अपने सोशल मीडिया ब्रिगेडर्स के जरिए भी दिफाई इदारों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलवाई गई। इन्हें अजीब इल्काबाद से नवाजा गया, लेकिन इस दौरान इन्हें ये कभी तौफीक न हुई कि अपने 4.25 साल की कारकर्दगी पर भी बात करें। 13 माह तक जिस बयानी को वो आगे बढ़ाते रहे इसका मरकजी नुकता यही था कि इनकी हुकूमत छीन जाने की वाहिद जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज या इसका सरबराह है। ये बयानिया उन्होंने अपने हीरो कारकुनों नौजवानों के जहनों में भी डाला। हत्ता के 9 मई को 60 अरब रुपए की करप्शन में होने वाली उनकी 1 दिन की गिरफ्तारी के मौका पर वो लावा फट पड़ा जिसे वो 13 माह से सुलगा रहे थे। इसमें दूसरों ने भी अपना हिस्सा डाला, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि सियासत सियासत ही होती है और किसी की कब्र पर सियासत जितनी चमकती है उतना शायद किसी बात से न चमके। और इस बात का अंदाजा इमरान खान को होना चाहिए था कि इस इंतजार को हवा तो वो दे रहे हैं, मगर इसका भयानक अंजाम किसी और की वजह से होगा और वही हुआ। मुल्क की तारीखी इमलाक जिनका ताल्लुक फौज या इदारों से था उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सानिया 9 मई को 1 साल हो गया, सोशल मीडिया पर इसे 9 मई का उर्स का नाम दिया गया तो हुकूमती पार्टियों की जानिब से इसे सानिया 9 मई कहा गया, लेकिन कौम के दिलों में इस अंधोनाक सानिया के जख्म आज भी रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है और मुहब्बे वतन अवाम के जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के कटहरे में अब तक क्यों नहीं लाया गया और रियासती इदारे वाकये में मुलव्वस मुलजमान से रियायत क्यों नहीं बरत रहे। सानिया 9 मई के
मास्टरमाइंड बानी पीटीआई गुज़िश्ता 8 महीने से जेल में है और उन्होंने अब तक 9 मई को होने वाले वाकयात की खुलकर मुज़म्मत नहीं की। वो अपनी सियासत बचाने के लिए आज भी मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ मुतवातिर जहर उगल रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी 9 मई के वाकयात के हवाले से न किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस करती है और न ही उन्हें अपने किए पर रंज या पछतावा होता है। इन्हीं रियासत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से बेशतर रहनुमा पीटीआई को खैर बात कह चुके हैं और सीनियर पार्टी क्यादत जेलों में है, जबकि कई सीनियर रहनुमाओं ने 9 मई के दिलखराश वाकयात की न सिर्फ सख्त मुजम्मत की बल्कि वाकये में मुलविस मुजरमान के खिलाफ कार्रवाइयों को भी जायज करार दिया। इसी तरह पार्टी की हम हुकूमत वाले सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाकये से खुद को लातालुक करने के बाद अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर करने में सरगर्म दिखाई देते हैं। वो लोग जो 9 मई के हमले करवा कर ये सोच रहे थे कि अवाम के दिलों में पाक फौज के खिलाफ गलत फहमियाँ और इदारे में दरारें पैदा कर देंगे, इनकी ये ख्वाहिश और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 9 मई के हमलों में निशाना बनने वाली फौज आज पहले से ज्यादा मुतहरिक और मुनज़्ज़िम है, जिसे अवाम में पजीराई हासिल है और वो मुल्क की सलामती के लिए अपने जानों के नजराने पेश कर रही है। इस हवाले से मुल्क भर में रैलियां मुनक़िद की गयी और पाक फौज से ज़ाहिर यकदहती का भी मुजाहरा किया गया। साने 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें अहम इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला कर लिया गया है। काबीना रकीन ने मुतफिका तौर पर 9 मई के अनासिर के खिलाफ मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। इजलास के अरकान ने सवाल किया कि कैपिटल हिल में मुलविस अनासिर को सजा हुई तो 9 मई के मुजरमान को अब तक क्यों ना हुई। सानिया 9 मई हमें भी ये सबक देता है कि वाकयात के जिम्मेदारों सहूलतकारों और मंसूबा साजों को कौम ने मुस्तरद कर दिया और वो बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। जरूरत इस अमर की है कि सानिया 9 मई में मुलविस शरपसंदों को जल्द अज जल्द कड़ी सजाएं देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा कोई इक्तदार की हवस में मुल्क की सालबियत से ना खेल सके।